दोस्तों ये कितने सारे चूहे दिख रहे हैं, सारे मंदिर में ही चूहे हैं, पूरे प्रांगण में ही चूहे ही चूहे हैं। और दोस्तों राजपूत शैली का इतना जीता जागता उदाहरण यहाँ आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा, वो भी मंदिरों में। ये जो प्रांगण है ना जहाँ मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे करणी माता ने तपस्या की थी। इसकी तारीफें करते करते मैं उब नहीं रही हूँ। ये देखिए जैसे ये मार्बल से कैसी नक्काशी की गई है। यहाँ की कहावत ऐसी है कि यहाँ जो चूहे हैं उसमें इंसानों का डीएनए पाया गया है। करणी माता के मंदिर में सफेद चूहों को, इन चूहे के दर्शन करना करणी माता के दर्शन माना जाता है, और इन चूहों को ना काबा कहा जाता है हमारे यहाँ। अच्छा, हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और अभी हम खड़े हैं बीकानेर में, यहाँ से हम लोग चलते हैं एक चमत्कारी माता का दर्शन करने, मतलब हम लोग चलते हैं करणी माता के पास जो कि बीकानेर में है। दोस्तों करणी माता का जो मंदिर है बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे है, और उस जगह को कहते हैं देशनौक। वहीं पर हम लोग जाएंगे, फिर करणी माता के दर्शन करेंगे। और साथ ही करणी माता जो है यहाँ राजस्थान के बहुत सारे लोगों की कुल देवी भी है। दोस्तों करणी माता का जो जन्म है वो चारण क्षत्रिय कुल में हुआ था, और इसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। तो चलिए, मैंने सुना है कि वहाँ ढेर सारे चूहे रहते हैं, तो चलिए देखते हैं कैसा मंदिर है वो। A few hours later. दोस्तों मैं बीकानेर से देशनौक आ गई हूँ, यहाँ से मैं करणी माता के मंदिर जाऊंगी। ये जो रोड है जहाँ मंदिर है वो है नोखा रोड देशनौक, और यहीं पे माता की तस्वीर बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसा मंदिर है, यहाँ का क्या माहौल है। चलिए देखते हैं, मैंने सुना है वहाँ चूहे ही चूहे रहते हैं, और आपके पैरों पे भी चूहे आ जाते हैं, ब्लैक ब्लैक चूहे रहते हैं। और मैंने सुना है ये भी कि व्हाइट चूहे अगर आपको दिख जाते हैं तो आप मानो कि बहुत लकी होते हैं। क्या बात कर रहे हैं। और चलिए ढूंढते हैं व्हाइट चूहे को। दोस्तों मैं आ गई हूँ मंदिर के प्रांगण में। ये पीछे जूस मिल रहा है अगर आपको पीना हो तो, उधर प्रसाद मिल रहा है, प्रसाद वगैरह अगर आपको लेना हो तो। और इधर जो है वो मंदिर है मेरे पीछे, तो हम लोग एंट्री करेंगे। पहले चलिए शूज उतार लेते हैं जहाँ शूज उतारा जाता है। यहाँ फ्री सेवा है शूज उतारने की, तो अगर आप आए तो यहीं शूज उतारें। जस्ट सामने मेरे मार्केट है जहाँ आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, चुन्नी वगैरह ले सकते हैं माता को चढ़ाने के लिए। तो ये देखिए जैसे ये पूरी मार्केट लगी हुई है यहाँ पे। अब हम लोग माता के मंदिर में एंट्री लेते हैं। ये यहाँ से एंट्री गेट है, फिर अगला गेट आएगा वहाँ से एंट्री होगी। यहाँ पे मैंने सुना है कि मंदिर में ना चूहे ही चूहे दिखते हैं, लेकिन फिलहाल अभी कबूतर ही कबूतर दिख रहे हैं। ये देखिए, ये बता रही हैं कि अंदर बहुत चूहे हैं। कितने प्रकार के चूहे हैं दीदी? बहुत सारे। और क्या यहाँ की महत्ता क्या है बताइए, करणी माता मंदिर? आप यहीं से हैं, राजस्थान से? नहीं, गुजरात। तो गुजरात से आई हैं यहाँ दर्शन करने? ये देखिए पानी पी रहा है ये, और उधर भी बहुत सारे चूहे हैं। ये देखिए दोस्तों, चूहों ने यहाँ घर बनाया हुआ है, अपना घर बसाया हुआ है, और लोगों ने यहाँ दाना डाला हुआ है। अगर आप भी कभी आए तो दाना लेके आए इन चूहों के लिए, क्योंकि ये चूहे का ही मंदिर है। कैमरा यूज करने का चार्ज है, अगर आप कोई वीडियो या फोटो ले सकते हैं तो 30 रुपए चार्ज है। दोस्तों ये कितने सारे चूहे दिख रहे हैं, सारे मंदिर में ही चूहे हैं, पूरे प्रांगण में ही चूहे ही चूहे हैं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे पैर पे ना आ जाए। अलग अलग जगह पे थाली में अनाज रखा गया है, और वहीं पे चूहे आके खाते रहते हैं और पानी पीते रहते हैं। आप लोग इस खिड़की की भी नक्काशी देखिए, एकदम कलरफुल जयपुरी स्टाइल में लग रहा है, और पिंक पिंक बिल्डिंग पे येलो येलो कलर क्या शोभ रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है। चना वगैरह चूहे के लिए रखा गया है खाना, और यहाँ चूहे आके खाते हैं सारे चूहे। पानी भी रखा गया है। कहते हैं
क्योंकि यहाँ जो चूहे हैं इन्हीं को सबसे पहले माता का भोग लगाया जाता है प्रसाद का, उसके बाद ही लोगों में बंटता है। देखिए चूहों का झुंड, कितने सारे चूहे हैं, इतने अगर हमारे घर में हो जाए तो क्या होगा, कैसे उड़दंग मचा रहे हैं ये। और ये हमारे प्यारे हनुमान जी, इन्हें भी चूहों ने घेर रखा है। तो करणी माता के मंदिर के अंदर ही छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं, उसमें से एक ये है आवड़ माता मंदिर। उन्हीं छोटे छोटे मंदिरों में से एक ये है दोस्तों, मानु बाईसा मंदिर। और ये यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है भगवान जी की। सारे भगवान जी के सुरक्षा की जिम्मेदारी इन चूहों ने ले रखी है। ये मंदिर परिसर में ही किन्हीं की मूर्ति लगी हुई है, लेकिन किनकी है ये मुझे पता नहीं है। आप लोग पहचान सको तो पहचानो, उनके गोद में चूहे बैठे हुए हैं। दोस्तों ये जो मंदिर है इसमें मोबाइल कैमरा अगर आप यूज़ करते हैं तो 30 रुपीज़ लगेगा, कैमरा यूज़ करते हैं तो 30 रुपीज़, और वीडियो कैमरा करते हैं तो 70 रुपया, और अगर यूट्यूबर या व्लॉगिंग कर रहे हैं तो 1100 रुपये पर फिल्म लगेगा, डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं तो 25,000। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मुझे कितने रुपये लगे होंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस लाइक बनाएंगे कि इतना कर देंगे कि मैं 25,000 की डॉक्यूमेंट्री यहाँ की बना सकूं। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितनी मेहनत से यहाँ मैंने वीडियो बनाया है, ब्लॉगिंग की है। तो इसीलिए आप लोग जल्दी जल्दी मुझे सब्सक्राइब करो और ये 25,000 की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लाइक बनाओ, वो भी यूट्यूब के थ्रू। दोस्तों ये जो गेट है मंदिर का, वहाँ भी राजस्थानी शैली बहुत अच्छे से नजर आ रही है। जैसे ये खिड़की है इसमें जैसे नक्काशी की गई है, जैसे झरों का दर्शन हो ऐसा लग रहा है। और ये जो है गेट, ये भी देखिए और ऊपर भी देख लीजिए आप लोग कितने अच्छे से बनाया गया है इसको। और दोस्तों राजपूत शैली का इतना जीता जागता उदाहरण यहाँ आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा, वो भी मंदिरों में। ये कलरफुल जो है और इतने डार्क कलर का यूज राजपूत शैली में ही नजर आती है। और दोस्तों ये मार्बल से निर्मित पूरा का पूरा मंदिर, इसमें देखिए कैसी नक्काशी की गई है, बहुत ही मेहनत करके बनाया गया है। तो आप लोग आइए दर्शन करिए माता करणी के। तो दोस्तों जाते जाते एक बार फिर से इन चूहों से मिल लीजिए, हेलो बोलिए, हेलो। तो इस मंदिर की खासियत ये है कि इतने सारे चूहे होने के बाद भी बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है मंदिर से, मंदिर बहुत ही स्वच्छ बहुत ही पवित्र दिखता है। तो सोचिए माता का ही कमाल होगा ये। और चूहे का ही जूठा जो होता है प्रसाद, पहले जूठा मतलब पहले भोग लगाया जाता है चूहे को, उसके बाद लोगों में वितरित किया जाता है, मतलब पहले सबसे पहले ये चूहे महाराज को भोग लगता है। वैसे गणेश जी की सवारी तो चूहा है ही, लेकिन ये करनी माता के दरबार में बहुत ही ज्यादा मात्रा में चूहा है। ये जो प्रांगण है ना जहाँ मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे करनी माता ने तपस्या की थी, उस जगह पे एक मंदिर बनाया गया है। और यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक और मंदिर है, वहाँ इसलिए बनाया गया है कि वहाँ माता गाय चराया करती थी और गाय से इन माता को बहुत ज्यादा प्यार था। गेट देखिए ये पिंक कलर से कलर जरूर किया गया है, लग रहा है कि ये पिंक सिटी का गेट है, लेकिन ये वहाँ का नहीं है, करणी माता का है। लेकिन ये गेट ऐसा बना हुआ है, लग रहा है जैसे किसी दुर्ग का गेट हो। ये देखिए आप लोग ऊपर तक कैसा है, ये गेट है और फिर से ये गेट है, मतलब दो दो गेट में बंद करके माता जी को रखा जाता है। इस गेट की नक्काशी देखिए, यहाँ शेर बना हुआ है, त्रिशूल बना हुआ है और ये माता जी बनी हुई है। और ऐसे देखिए इतनी नक्काशी कैसी की गई है, एकदम बारीकी से। और ये हमारी माता लक्ष्मी और ऊपर गणेश जी भी, ये देखिए, और सूर्यदेव भी। और दोस्तों ऋग्वेद में गायत्री मंत्र इन्हीं को समर्पित है। दोस्तों ये पूरा का पूरा मार्बल से बना हुआ ये मंदिर, और इसमें ब्लैक स्टोन का भी प्रयोग किया गया है। ये देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वहाँ कबूतर बैठे हुए हैं, लेकिन वो ब्लैक स्टोन है। और ये जो हाथी बने हुए हैं ये भी ब्लैक स्टोन के बने हुए हैं, और इधर के भी हाथी ब्लैक स्टोन से ही बने हुए हैं। हमारे यहाँ ना बुद्धा का जो होता है ना मूर्ति, वो अधिकतर ब्लैक स्टोन से बना होता है। इसकी तारीफें करते करते मैं उब नहीं रही हूँ। ये देखिए जैसे ये मार्बल से कैसी नक्काशी की गई है। और दोस्तों देखिए ये लग रहा है किसी किला की खिड़की है वैसे ही। और इसमें जो गेट है इसमें चूहे महाराज की फोटो भी बनी हुई है और त्रिशूल है, तो लगता है माता को चूहे से बहुत ज्यादा ही प्यार है। ये मार्बल को ही तराश तराश के देवी देवताओं की मूर्ति बनाई गई है,
ये देखिए बहुत सारी देवियाँ लाइन से बनी हुई है। दोस्तों जैसे हम शिवालय जाते हैं और नंदी जो होते हैं उनके कान में हम मनोकामना अपनी की रखते हैं और भगवान तक तब शिव जी तक वो मनोकामना पहुंचाते हैं हमारी, वैसे ही यहाँ माता की सवारी शेर के कान में लोग मनोकामना अपनी रख रहे हैं और वहाँ शायद ये शेर जो है माता की सवारी ये भगवान तक मतलब माता तक करणी माता तक पहुँचाता है, जैसे एक बच्ची अभी रख रही है अपनी मनोकामना। यही वो शेर है। यहाँ की कहावत ऐसी है कि यहाँ जो चूहे हैं उसमें इंसानों का डीएनए पाया गया है, मतलब करणी माता के जो वंशज थे वो उनकी जब डेथ होती है तो वो पैदा लेते हैं, ऐसी मान्यता है यहाँ के लोगों की, और वो इन चूहों के रूप में मतलब पैदा लेते हैं। और ये जो बीमारियाँ होती हैं प्लेग वगैरह हुआ या कोई भी बीमारी कोई भी फ्लू मतलब यहाँ नहीं फैलती है, इन चूहों में नहीं होती है, ऐसा बोल रही थी एक लड़की। कहाँ से हो? हम रांची से जैन हो गए, देशनोक के पास से। देशनोक के पास से ही हो? तो 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। अच्छा, तो यहाँ बताइए आप करणी माता के बारे में। करणी माता के मंदिर में सफेद चूहो को इन चूहे के दर्शन करने करणी माता के दर्शन माना जाता है और चूहो को ना काबा कहा जाता है हमारे यहाँ। अच्छा, और बताइए और कुछ इतिहास इनका? और इतिहास हमें ज्यादा पता नहीं है, बस आते हैं जाते हैं दर्शन करते हैं। अच्छा ठीक, ओके थैंक यू। दोस्तों कहते हैं कि यहाँ सफ़ेद चूहों का दर्शन होना करणी माता का दर्शन होना होता है, इन भैया ने जैसा कि बताया हमें, लेकिन हमें तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब लगता है हमने करणी माता का दर्शन नहीं किया। तो अब कर भी कह सकते हैं, माता ने अगर हमें दर्शन नहीं दिया, माता हमसे रूठी हैं, तो अब हम कैसे मना सकते हैं। चलिए फिर से आएंगे। दोस्तों हमने करणी माता का दर्शन कर लिया है और साथ ही गोधूली वेला होने वाली है, तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और इस शहर को करते हैं बाय। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ एंड, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।